Dear students, we have studied earlier the second lesson of course book and we have studied the first part of this lesson. Today we will study the second part of the same lesson, that is the thief. Now we continue. Here the writer, who is as a thief, says, "You flatter me," he said. Writer यहाँ कहता है दीपक से कि तुम मेरी खुशामद कर रहे हो, that's all right, ठीक है, but you can't work for me, लेकिन आप मेरे लिए काम नहीं कर सकते हैं. Why not? दीपक कहता है क्यों नहीं. Because I can't pay you, क्योंकि राइटर कहता है कि मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकता हूँ. I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man. यहाँ पर दीपक थोड़ी देर के लिए सोचता है, उसके बाद बोलता है कि शायद मेरा इस व्यक्ति को अपना इस व्यक्ति से काम लेने में शायद लगता है मेरी जो निर्णय रहा गलत रहा. फिर आगे पूछता है, कैन यू फीड मी, आई आस्क. यहाँ दीपक पूछता है कि क्या आप मुझे खिला सकते हैं. कैन यू कुक, ही काउंटर्ड. इस पर राइटर जो थीफ जो है वो कहता है कि क्या आप हमें हमारे लिए भोजन बना सकते हैं. आई कैन कुक, आई लाइट. यहाँ पर दीपक कहता है कि मैं भोजन बना सकता हूँ, लेकिन वो झूठ बोल रहा था. इफ यू कैन कुक, ही सेड, देन आई शैल फीड यू. अरुण कहता है कि अगर आप मेरे लिए भोजन बना सकते हैं तो मैं आपको खिला सकता हूँ. ही टुक मी टू हिज रूम एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप इन बरांडा बट आई वॉज मेयरली नियरली बैक ऑन द स्ट्रीट दैट नाइट. वह मुझे अपने कमरे में ले गया और मुझे बताया कि वह मेरे बरामदे में सो सकता है, लेकिन मैं रात में उसके घर के पीछे की तरफ गली की ओर लेटा हुआ था. द मील आई कुक्ड मस्ट हैव बीन प्रीटी ऑफुल बिकॉज अरुण गेव इट टू द नेबर्स कैट एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. वह भोजन जो मैंने बनाया वह बहुत ही भद्दा था, क्योंकि अरुण ने उस बनाए हुए भोजन को मेरे ही सामने बिल्ली को दे दिया और मुझको मना कर दिया कि अब आपको भोजन नहीं बनाना है. बट आई जस्ट हैंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड देन ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग. उसके बाद फिर भी मैं उसी के आसपास रुका रहा बिना किसी प्रत्याशा के, बिना किसी उम्मीद के, और उस मुस्कराते हुए और आकर्षण के साथ, लेकिन वह मेरी मुस्कराहट में अरुण मेरी मदद नहीं किया. ही सैट डाउन ऑन द बेड एंड लॉड फॉर ए फुल 5 मिनट्स एंड लेटर पैटेड मी. उसके बाद वह अपने बिस्तर पर गया और 5 मिनट तक लगातार हंसता रहा और मुझे थपकी दिया ऑन द हेड एंड सैट नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक इन द मॉर्निंग. वह मेरे सिर पर थपकी दिया और उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको भोजन बनाना भी सिखाऊंगा अगले दिन. नॉट ओनली डिड ही टीच मी टू कुक बट ही टॉट मी टू राइट माई नेम एंड हिज एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड एड मनी ऑन पेपर व्हेन यू डिड नॉट हैव एनी इन योर पॉकेट. उसने न केवल मुझे भोजन पकाना सिखाया बल्कि उसने मेरा और अपना नाम लिखना भी सिखाया एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस. और उसने मुझे यह भी कहा कि शीघ्र ही आप लोग आपको लिखना भी आ जाएगा, वाक्यों में आप सेंटेंस बना सकते हैं, और जब अब कभी आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो मैं आपको पैसा भी दूंगा. इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अरुण. यह अरुण के लिए मेरे लिए बहुत ही सुखद कार्य रहा. I made the tea in the morning and later went out shopping. अगले दिन मैंने सुबह उसके लिए चाय बनाया और शॉपिंग के लिए गया, कुछ ख़रीदारी के लिए गया.
I would take my time buying the day's supplies and make a profit of about 25 paise a day. I would take my time by the days. मैं अपना समय दिन में उसके घर के लिए सामान खरीदने में बिताता था और उसमें से लगभग 25 पैसे प्रतिदिन मैं अर्न भी कर लेता था. I would tell Arun that rice was 56 paise a pound. मैं अरुण को यह बताता था कि मुझे एक पाउंड चावल 56 पैसे 56 पैसे में मिला, जबकि उसकी मूल जो खरीद होती थी वह 50 पैसे होती थी या 50 पैसे की होती थी. आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल दिस वे बट ही डिड नॉट माइंड. मैं यह सोचता था कि यह बात अरुण को मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी वह इस पर ध्यान नहीं देता था. ही वॉज नॉट गिविंग ए रेगुलर वेज, लेकिन वह मुझे कोई नियमित कोई पारिश्रमिक नहीं देता था. आई वॉज रियली ग्रेटफुल टू अरुण फॉर टीचिंग मी टू राइट. मैं चूँकि अरुण ने मुझको लिखना सिखाया था, इसलिए मैं अरुण के प्रति बहुत ही कृतज्ञ था. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव. इट माइट इवन बी एन इंसेंटिव टू बी ऑनेस्ट. आई न्यू मैं मुझको मालूम हुआ कि दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि एक बार मैं एक शिक्षित व्यक्ति के समान अगर मैं लिखने की क्षमता मेरे अंदर आ गई तो दीज वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव. तो इससे ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको मैं अचीव नहीं कर सकता हूँ. इट माइट इवन बी एन इंसेंटिव टू बी ऑनेस्ट, या मेरे लिए ईमानदार होने के लिए मेरे लिए एक प्रोत्साहन रात होगी. धन्यवाद.